नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष IMI 2023 के शुभारंभ के अवसर पर पंजाब राजभवन ने शहर के विशिष्ट वर्ग के लिए मिलेट्स लंच का आयोजन किया। इस दौरान नवगठित प्रशासक सलाहकार परिषद के सदस्यों सहित शहर के जाने माने लोग, नौकरशाह, राजनेता, उद्योगपति, डॉक्टर, शिक्षाविद और मीडिया को मिलेट्स से तैयार व्यंजनों का लुफ्त उठाते हुए देखा गया। मिलेट्स से तैयार मीठे व्यंजन विशेष रूप से लिटिल मिलेट खीर, कुटकी की खीर, रागी हलवा और स्टीम्ड रागी गुलगुले मेहमानों को खूब पसंद आए। मिलेट्स लंच के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित ने बताया कि मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के पोषण कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। मिलेट्स स्मार्ट फूड है क्योंकि इनकी खेती करना आसान है। ये ज्यादातर जैविक है और इनमें उच्च पोषण मूल्य होते हैं। मिलेट्स उपभोक्ताओं, किसानों और जलवायु के लिए अच्छे हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि मिलेट जागृति पैदा करना अनिवार्य है। उन्होंने मिलेट्स को दैनिक आहार में शामिल करने और इसके लाभों पर प्रकाश डालते हुए पूरे शहर में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने सभी से अपनी रसोई से शुरुआत करते हुए मिलेट्स को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। सबसे बड़ा कारण जिसे मीडिया में भी आप भी छाप रहे हो, पानी का तो प्रॉब्लम शुरू हो गया, पानी भेजने का कम है, पानी नीचे चला गया है, ऊपर का बहुत नीचे चला गया है। तो इसका काउंटर करने का इससे उत्तम दूसरा कोई इलाज है? कारण क्या है? जैसे कि राजस्थान चावल में जितना पानी लगता उसका दूसरा बाजरे में ये प्लेट में बाजरे में बहुत कम पानी लगती है। इसीलिए अभी ये और दूसरा हेल्दी फूड है, इन कंपेरिजन लाइट है, पेट के लिए अच्छा रहता है, आरोग्यवर्धक है। नेचुरोपैथी वाले को, एक्सपर्ट को पूछो तो वो तो यही बोलेगा कि मेरे इसको क्यों नहीं अपनाया। मतलब खाली मुझे विचार करने की जरूरत है, समझ है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत है तो सबसे ज्यादा बाजे की रूटी पसंद करता हूँ। बाजे की बात है, मेरा तो लाइफ स्टाइल है, बाजरे की दो रोटी बनवाया, एक तो मैंने निकाल लिया, कहता। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।